हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चों की उम्र कुछ नहीं होती लेकिन उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। उसका कारण है कि कई तरह के शैम्पू हम यूज़ करते हैं, कई तरह के ऑयल केमिकल यूज़ करते हैं। तो स्पेशल आज उन छोटी उम्र के बच्चों के लिए है जो बच्चे उम्र से पहले ही अपने बाल को सफ़ेद कर लेते हैं गलतियों से, या किसी वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज मैं बालों को काला करने के लिए स्पेशल एक रेमेडी बनाने जा रही हूँ जिसका कि कोई नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, घरेलू रेमेडी है और इसे तैयार करना भी इजी है और लगाना भी इजी है। तो उम्मीद है सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी पहुंच सके और आप मेरी हर रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए फ्रेंड्स हमने लिया है 2 चम्मच दही। दही अक्सर आपने देखा होगा हर घर में मिल जाता है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको अगर घर में ना भी हो तो बाज़ार से भी आप ले सकते हैं, कोशिश करें आप घर का दही यूज करें। और ये है बादाम का तेल, मैंने पतंजलि का लिया है। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं, नारियल तेल हर घर में अवेलेबल होता है। ये है आंवला पाउडर, आंवला पाउडर आपको बाजार से मिल जाएगा, मैंने दिव्या का लिया है। आप कोई भी आंवला पाउडर ले सकते हैं या खुद आंवले भी आप सूखे आंवले लेकर पी सकते हैं, या आप बाजार से रेडीमेड जो पाउडर होता है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो 2 चम्मच दही के अंदर फ्रेंड्स मैं 1 चम्मच आंवला पाउडर डालूंगी। आप देख रहे हैं कि मैंने 1 चम्मच ले लिया है आंवला पाउडर और 1 चम्मच ही मैं बादाम का तेल डालूंगी। इससे आपके बाल जो है काले भी होंगे और बाल जो है शाइनी भी होंगे। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके ये पेस्ट बन जाएगा। ये मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्वांटिटी आप ध्यान में रखें। अगर आप इसमें आंवला पाउडर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप 1 चम्मच की बजाय 1.5 चम्मच भी करना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है इसका। नॉर्मली जो होता है वो रेशियो जो मैंने आपको बताई है यही होती है। तो अब इसे लगाने का मैं आपको बताती हूँ। आपने जब भी हेड वॉश करना है, सिर को धोना है, उससे आधा घंटा पहले इसे अप्लाई कर लेना है। पूरे सिर के अंदर आपने जड़ों से लेके पूरे बालों के किनारों तक नीचे तक पूरा आपने इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इसे आपने आधा घंटा कम से कम छोड़ देना है, 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने गुनगुने पानी से अपना सिर जो है वो धो लेना है। आप मौसम के अकॉर्डिंग, अगर गर्मी है तो आप पानी ले सकते हैं, अगर सर्दी का मौसम है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी लेके आप सिर को वॉश कर दें। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि इसे लगाने के बाद आपने शैम्पू यूज नहीं करना। तो मान लो आज आपने इसे यूज किया है, आज आपने लगाया है, तो आप उसके बाद कंडीशनर चाहे लगा सकते हैं, बट आप अगले दिन जैसे कलर के बाद आप अगले दिन शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो आपने शैम्पू यूज़ कर लेना है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको अपने बालों में बहुत फ़र्क दिखाई देगा, आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये, और कम से कम जो बाल आपके इतने वाइट हो रहे हैं वो वाइट होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेमेडी बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही ईजी है ये, इसे बनाना भी और यूज़ करना भी। आप इसे यूज़ ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ आपको ये रेमेडी कैसी लगी, इसके इफेक्ट कैसे लगे, आपको रिजल्ट कैसे मिले। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।